नमस्कार। आज के इस सत्र में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। यह असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही अर्थ गर्भित विषय है, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग जानते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन, इस संकल्पना में अधिगम कितना हुआ यह देखा जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, इस संकल्पना में अधिगम सुगम हो सके या सीखने में छात्रों की सहायता की जा सके, इसके लिए छात्रों से अधिगम संबंधी सूचना एकत्रित की जाती है व प्राप्त सूचना का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्रों के सीखने में सहायता पहुंचाई जा सके, वे अच्छे से सीख सकें, इसमें सहयोग किया जा सके। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग के साथ साथ असेसमेंट एज लर्निंग का जो कंसेप्ट है वह अधिगम के रूप में आकलन, और ऐसा आकलन स्वयं में अधिगम का कारण बन जाता है। आकलन अधिगम का रूप ले लेता है। ऐसा जो आकलन होता है असेसमेंट एज लर्निंग, वह अधिगम का कारक बन जाता है, कारण बन जाता है, या ऐसे भी कहें कि आकलन अधिगम का रूप ले लेता है, रूपांतरित हो जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आकलन की प्रक्रिया जब स्वयं में अधिगमदायी हो जाए, सिखाने वाली हो जाए, तो उसे अधिगम के रूप में आकलन कहा जा सकता है। जब आकलन की प्रक्रिया स्वयं में रूपांतरित हो जाए अधिगम के रूप में, तो इसको अधिगम के रूप में आकलन कहा जा सकता है। यहाँ पर असेसमेंट एज लर्निंग में एज का जो वर्ड है, शब्द है, वह समझना जरूरी है। हम लोग जानते हैं जैसे राम एक व्यक्ति है और राम एज ए सन, राम जो है एक पुत्र के रूप में क्या है और क्या करता है और कैसा है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर राम क्या है, संपूर्ण राम उसके बारे में नहीं, बल्कि एक पुत्र के रूप में उसकी भूमिका क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि कलम एक हथियार है, पेन एज ए वेपन। तो पेन एज ए वेपन कैसे कार्य करता है यह हम लोग देखते हैं। तो पेन की तो अपनी एक भूमिका है, लेकिन एज ए वेपन वह कैसे कार्य करता है, इसको इस कंसेप्ट में हम लोग देखते हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट होता है जिसके तहत कोई कार्य संपन्न किया जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट एज ए टीचिंग मेथड जब हम लोग देखते हैं, तो प्रोजेक्ट का प्रयोग टीचिंग के लिए कैसे किया जाता है, तो इसको हम लोग प्रोजेक्ट एज ए टीचिंग मेथड कहते हैं। यहाँ पर हम एज शब्द का जो प्रयोग है के रूप में, उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट कैसे रूपांतरित हो जाता है एक टीचिंग मेथड के रूप में, पेन कैसे रूपांतरित हो जाती है एक हथियार के रूप में, क्राफ्ट एज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन या बेस ऑफ एजुकेशन, जो शिल्प है वह शिक्षा के केंद्र में कैसे आ जाता है, वह भूमिका कैसे निभाता है कोई शिल्प, जो कि गांधी के शिक्षा का एक प्रत्यय है, गांधियन एजुकेशन का कंसेप्ट है। तो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, तो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन में क्राफ्ट तो शिल्प होता है, लेकिन शिल्प किसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का या एजुकेशन के प्रोसेस का सेंटर कैसे बन जाता है, तो क्राफ्ट एक शिक्षा प्रक्रिया के रूप में कैसे आ जाता है, इसको हम लोग इसमें देखते हैं। इसी तरह से असेसमेंट एज लर्निंग आकलन जो है वह अधिगम कैसे होता है, अधिगम के रूप में कैसे कार्य करता है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि असेसमेंट ट्रांसफॉर्म्ड एज लर्निंग प्रोसेस। जब असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं, तो असेसमेंट ट्रांसफॉर्म्ड एज लर्निंग प्रोसेस जो आकलन है वह रूपांतरित हो जाता है अधिगम प्रक्रिया में। तो असेसमेंट एज लर्निंग में असेसमेंट अपना मुख्य काम असेस करना नहीं होता है, असेस तो करता है, लेकिन वह असेस करना रूपांतरित हो जाता है अधिगम प्रक्रिया में। और जब असेसमेंट रूपांतरित हो जाए अधिगम की प्रक्रिया में, आकलन रूपांतरित हो जाए अधिगम की प्रक्रिया में, तो उसको असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। आकलन अधिगम का रूप कब ले लेता है, जो आकलन की प्रक्रिया है वह अधिगम का रूप कब ले लेती है यह प्रक्रिया, जब आकलन के द्वारा या आकलन के साथ साथ सीखने की क्रिया भी हो रही हो। अर्थात जब आकलन हो रहा हो या आकलन की प्रक्रिया संपन्न हो रही हो, लेकिन उसके साथ साथ सीखने की क्रिया भी हो रही हो, अर्थात आकलन और सीखने की क्रिया दोनों साथ चल रही हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि आकलन अधिगम का रूप ले लेता है, और इसमें आकलन कारण बन जाता है सीखने का। यह कब होता है, जब सीखने के विषय वस्तु पर, सीखने की क्रिया पर, इसमें आने वाली बाधाओं तथा अपनी सक्षमताओं और दुर्बलताओं पर स्वयं अधिगमकर्ता द्वारा प्रश्न उठाया जाए। जब लर्नर्स क्वेश्चन करते हैं अपने
सीखने पर, सीखने की क्रिया पर, सीखने में जो समस्याएं हैं उस पर, अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उस पर, जो अपने कमजोरियां हैं, जो वीकनेस हैं उस पर, जब वो प्रश्न उठाता है, जब उनको देखने समझने का प्रयास करता है सीखने के विषय वस्तु के साथ साथ, तब यह प्रक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब अधिगमकर्ता अपने अध्ययन की निगरानी स्वयं करता है, जब वह खुद मॉनिटर करता है अपने अधिगम प्रक्रिया को, तब यह आकलन होता है। इस आकलन को असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो आकलन के द्वारा अधिगम फलीभूत होता है, रिजल्ट के रूप में आता है अधिगम लर्निंग। तो आकलन के द्वारा अधिगम होता है, अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होती है, आकलन अधिगम में रूपांतरित हो जाता है, आकलन स्वयं में अधिगम की प्रक्रिया बन जाती है। तो इसे ही असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। स्टूडेंट्स की भूमिका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे आकलन में अधिगम में अधिगमकर्ता की सक्रिय भूमिका पर बल दिया जाता है। अधिगमकर्ता जब तक सक्रिय नहीं होगा, स्वयं से पहल नहीं करेगा, तब तक ऐसा आकलन नहीं होता है, क्योंकि पहल स्वयं अधिगमकर्ता को ही करना पड़ता है। इसमें छात्रों द्वारा अध्ययनकर्ता, अवलोकनकर्ता एवं आकलनकर्ता की भूमिका निभाई जाती है। वही लर्नर होता है, वही स्टडी करने वाला है, वही ऑब्जर्वर भी है और वही एसेस करने वाला भी है। तो तीनों ही भूमिका, जो अध्ययनकर्ता का है, जो अवलोकनकर्ता का है और आकलनकर्ता का है, तीनों भूमिका वह निभाता है। स्टडी करने वाला लर्नर, ऑब्जर्वर एंड असेसर, तीनों वह होता है। इसमें छात्रों के लिए आवश्यक है कि वे अपने अधिगम के प्रति चिंतन, आत्मलोचन एवं आकलन करें, जिससे अपने अधिगम में सुधार की रणनीति खोज सकें। वह अधिगम के बारे में, अपने जो अधिगम चल रहा है उसके बारे में थिंकिंग करें, उसमें रिफ्लेक्ट करें, आत्मलोचन करें और एसेस करें अपने अधिगम को, और इसके द्वारा जो भी उनको समझ आता है उसका प्रयोग आगे की रणनीति खोज सकने में करें, ताकि अपने अधिगम में सुधार कर सकें, अधिगम को और बेहतर कर सकें। तो यह कार्य इसमें होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि छात्र अधिसंज्ञानात्मक कौशल का प्रयोग करते हैं, मेटा कॉग्निटिव स्किल का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब हम सिंपली सीखते हैं, किसी के बताने से सीखते हैं, कोई ट्यूटर हमें सिखाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि कॉग्निटिव स्किल का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मेटा कॉग्निटिव स्किल का प्रयोग असेसमेंट एज लर्निंग जब होता है तब किया जाता है। अब मेटा कॉग्निटिव स्किल क्या है या मेटा कॉग्निशन क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो अधिगम के रूप में आकलन छात्रों के अधिसंज्ञान पर बल देता है, मेटा कॉग्निशन पर बल देता है ऐसा आकलन। इसमें छात्र अपने अध्ययन के सक्रिय आकलनकर्ता होते हैं, वो एक्टिव एसेस करने वाला होते हैं, एक्सेस करते हैं, खुद वह एसेस करते हैं। वे न केवल अध्ययन सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपितु अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रति भी चैतन्य रहते हैं। वे केवल फोकस नहीं करते हैं लर्निंग मटेरियल्स पर, बल्कि वे खुद अवेयर होते हैं, अपने कंसस रहते हैं अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस पर, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या कमियां हो रही हैं और कहाँ बाधा उत्पन्न हो रही है, तो अपने कॉग्निटिव स्किल पर या अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस पर वे ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके प्रति सचेत होते हैं। और जब अपने कॉग्निटिव प्रोसेस के प्रति सचेत होते हैं, तो मेटा कॉग्निटिव स्किल का प्रयोग वे कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मेटा कॉग्निटिव स्किल, तो चिंतन के संबंध में चिंतन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। एक तो है कि किसी विषय पर हम थिंक कर रहे हैं, किसी विषय पर हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और दूसरा यह है कि जो हम विचार कर रहे हैं उस विचार करने की प्रक्रिया पर हम विचार कर रहे हों, विचार करने की प्रक्रिया पर हम चिंतन कर रहे हों। तो अपने चिंतन की प्रक्रिया पर चिंतन करना, यह मेटाकॉग्निटिव स्किल है, यही मेटाकॉग्निशन है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, थिंकिंग अबाउट हाउ टू थिंक, हम कैसे सोचें, इसके बारे में सोचना मेटाकॉग्निटिव स्किल है। इसको हम अधिगम के क्षेत्र में कहें तो सीखने के संबंध में सीखना, लर्निंग अबाउट लर्निंग, मतलब जो लर्निंग हमारी चल रही है उस अपने लर्निंग के प्रोसेस के बारे में लर्न करना, कि हमारी लर्निंग कैसे चल रही है, क्या चल रही है, इसमें क्या बाधाएं हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, इस तरह की बातें हैं। तो अपने लर्निंग के बारे में लर्निंग यह है। एक तो है कि हम फिजिक्स लर्न कर रहे हैं, मैथ्स लर्न कर रहे हैं, हम कोई भी विषय लर्न कर रहे हैं, लेकिन दूसरा है कि जो हमारी लर्निंग चल रही है उस लर्निंग को हम लर्न कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रोसेस, इसको हम लोग कहेंगे मेटाकॉग्निटिव स्किल। और किसका लर्निंग प्रोसेस, अपना लर्निंग प्रोसेस। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लर्निंग हाउ टू लर्न, कैसे सीखा जाए यह सीखना।
जो कैसे सीखा जाए, यह जब हम सीखते हैं और स्वयं से सीखते हैं तो ये मेटाकॉग्निटिव स्किल का एग्जाम्पल बन जाता है। इसमें क्वेश्चन जो हो सकता है वह है कि मैं कैसे सीख रहा हूँ, कैसे सीखा जाए, यह सीखना ही मेटाकॉग्निटिव स्किल है। जब सीखने वाला स्वयं अपने से इस तरह का प्रश्न करता है, मैं अपने अधिगम में कैसे सुधार कर सकता हूँ, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई लर्निंग, यह जब प्रश्न अपने से करता है और इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है तो यह मेटाकॉग्निटिव स्किल का एग्जाम्पल है। सीखने में मुझे कहाँ समस्या है, सीखने में मैं कौन सी रणनीति अपनाऊँ, वेयर इज द प्रॉब्लम इन लर्निंग एंड व्हाट स्ट्रेटेजी कैन आई अडॉप्ट, तो ये जो बात है यह मेटाकॉग्निटिव स्किल को दर्शाता है। इसके अंतर्गत छात्र केवल पाठ्यवस्तु पर विचार नहीं करते अपितु वे स्वयं पर भी विचार करते हैं। मतलब जैसा कि हम लोगों ने कहा कि किसी विषय को जिसका अध्ययन कर रहे हैं या जो विषय वस्तु है, जो लेशन है, उस पर ही विचार नहीं करते बल्कि स्वयं पर भी विचार करते हैं, स्वयं पर भी थिंकिंग करते हैं। और अपने पर किस प्रकार का विचार करते हैं, अधिगमकर्ता के रूप में स्वयं पर विचार करते हैं, एज ए लर्नर अपने को लेते हैं और उस रूप में विचार करते हैं कि एज ए लर्नर मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। वे विचार करते हैं कि मैं किस प्रकार का अधिगम करता हूँ, वट टाइप ऑफ लर्नर एम आई, मेरे सीखने का क्या उपागम है, वट अप्रोच आई अडॉप्ट इन लर्निंग, मेरी अधिगम शैली क्या है, वट इज माई लर्निंग स्टाइल, मेरा अध्ययन कौशल क्या है, वट इज माई स्टडी स्किल, और मैं प्रभावी अधिगमकर्ता कैसे बन सकूँ, कैसे बनूंगा, हाउ कैन आई बिकम एन इफेक्टिव लर्नर। इस प्रकार के प्रश्न वे करते हैं, अपने बारे में विचार करते हैं। और छात्र विचार करते हैं कि मेरे बलाबल क्या हैं, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माई वीकनेसेस एंड हाउ आई कैन ओवरकम माई वीकनेस, मैं अपने कमजोरियों पर कैसे विजय प्राप्त करूं, और हाउ कैन आई यूज़ माई स्ट्रेंथ्स, मैं अपने जो मजबूतियां हैं, जो बल है, जो स्ट्रेंथ है, उसका कैसे मैं उपयोग करूं अपने लर्निंग में। तो इस तरह की जो बातें हैं ये मेटाकॉग्निटिव स्किल के अंतर्गत आता है। और असेसमेंट एज लर्निंग के अंतर्गत स्टूडेंट्स मेटाकॉग्निटिव स्किल का प्रयोग करते हैं, और मेटाकॉग्निटिव स्किल का प्रयोग जब करते हैं तभी असेसमेंट एज लर्निंग संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो इसकी प्रमुख बातें हम लोग करें कि अधिगम के रूप में आकलन की प्रमुख बातें क्या है, तो अधिगमकर्ता स्थिति का समालोचनात्मक आकलन करता है। अधिगम के समय जो भी स्थिति है, जो भी सिचुएशन है, उसका क्रिटिकली एसेस करता है, वह स्वयं से चिंतनशील प्रश्न करता है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस करता है स्वयं से, तथा अधिगम के लिए कई गतिविधियों पर विचार करता है। अधिगम को सफल बनाने के लिए वह कई एक्टिविटीज या स्ट्रेटेजीज पर विचार करता है जिसका प्रयोग करके वह सफलतापूर्वक अपने अधिगम को संपन्न कर सके। तो क्रिटिकली एसेस करता है वह संपूर्ण परिस्थिति पर, और अपने पर भी वह प्रश्न करता है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस करता है। वह व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान का उपयोग अर्थपूर्ण अधिगम के लिए करता है, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए वह अपने एक्सपीरियंसेस का प्रयोग करता है, अपने नॉलेज का प्रयोग करता है, कॉग्निटिव और मेटाकॉग्निटिव दोनों स्किल का प्रयोग करता है। इस प्रकार के आकलन में अन्य व्यक्ति से तुलना अनावश्यक हो जाता है, वह अपने अधिगम की पूर्व स्थिति तथा अपनी आकांक्षाओं की तुलना करता है। अन्य व्यक्ति कितना सीख गए, कितना आगे चले गए, इससे तुलना वे नहीं करते हैं बल्कि अपनी जो पूर्व की स्थिति है और अपना जहाँ पहुँचना है, जो आकांक्षा है, उसके बीच में तुलना करते हैं और विभिन्न प्रकार के उपाय तलाशने का प्रयास करते हैं जिससे अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, अर्थात जो लर्निंग गोल्स हैं उसको पूरा कर सकें। तो इसलिए अन्य व्यक्तियों के अमाउंट ऑफ लर्निंग से तुलना नहीं की जाती है। इस प्रकार के आकलन में छात्र के स्वयं के अधिगम एवं संज्ञान के प्रति चैतन्य पर बल दिया जाता है, जो उनके अधिगम हैं और जो उनके कॉग्निशन हैं। तो लर्निंग एंड कॉग्निशन के प्रति अवेयरनेस या कंसियसनेस डेवलप करने पर बल दिया जाता है, ऐसे असेसमेंट एज लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे आकलन में छात्र प्रश्नों एवं समस्याओं के माध्यम से स्वयं को सम्मिलित रखते हैं, इन्वॉल्व रखते हैं क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स के द्वारा, और वे खोज एवं चिंतन में संलग्न रहते हैं, इंगेज रहते हैं थिंकिंग में और एक्सप्लोर करने में कि कैसे हम सीखें, कैसे हम समझें, किस प्रकार से हम कार्य करें या किस प्रकार से हम सीखने का कार्य करें जिससे कि हमारा अधिगम सही प्रकार से हो सके। अधिगम के रूप में आकलन छात्रों को जीवन पर्यंत अधिगमकर्ता बनाने में सहायक है। जब भी छात्र इस प्रकार के आकलन सीख ले और इसका प्रभावी प्रयोग करने लगे तो वह लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाते हैं,
उनको फिर दूसरे की उतनी सहायता नहीं रह जाती, वे स्वयं से सीख सकते हैं, स्वयं को सिखा सकते हैं। ऐसे आकलन का लक्ष्य छात्रों को स्वायत्त अधिगमकर्ता बनाने पर होता है। ऑटोनोमस लर्नर, वह स्वतंत्र अधिगमकर्ता बन सकें, दूसरे पर निर्भर न रहें सीखने के लिए। इसमें आवश्यक है कि छात्र अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपने अधिगम का निरीक्षण एवं आकलन करें तथा सचेत रहें कि उनसे क्या अपेक्षा है। यह जरूरी है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान वे अपना ऑब्जर्वेशन स्वयं करें, अपना आकलन स्वयं करें, अपना असेसमेंट स्वयं करें और सचेत रहें कि उनको क्या करना है। आज के समय में जब सूचनाएं, तमाम प्रकार की सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हैं, तब यह जो असेसमेंट एज लर्निंग है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि छात्र अपने को सीखने में लगाए और अपने सीखने में आने वाली समस्याओं को स्वयं समाधान करना सीखे, और सीखने में क्या समस्याएं हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं या क्या चैलेंजेस हैं, उसका भी आकलन करते चलें, और सीखने में कहाँ पहुँचे और कहाँ पहुँचना है इसका भी आकलन करते चलें। तो सेल्फ असेसमेंट का प्रोसेस चलते रहना चाहिए। इसमें अध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है? तो जहाँ अन्य आकलन में अध्यापक प्रमुख भूमिका निभाता है, जैसे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में अध्यापक बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में अध्यापक प्रमुख भूमिका निभाता है, हालांकि छात्र भी उसमें भूमिका निभाते हैं, तो वहां पर अध्यापक प्रमुख हो जाते हैं इन दोनों स्थितियों में। वहीं इसमें छात्र स्वयं आकलन की पहल करता है। असेसमेंट एज लर्निंग में छात्र ही आकलन करता है, वही पहल करता है आकलन करने का। लेकिन जो सेल्फ असेसमेंट की जो प्रवृत्ति है, वह स्वतः विकसित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, परंतु ऐसी प्रवृत्ति एवं क्षमता का विकास अध्यापक छात्रों में कर सकता है। अध्यापक चाहे तो छात्रों को आत्मनिर्भर अधिगमकर्ता बना सकता है, फ्री लर्नर उसको बना सकता है, और ऐसी प्रवृत्ति विकसित कर सकता है जहाँ पर वह स्वयं अपना आकलन कर सकें। अध्यापक इसके द्वारा, अर्थात असेसमेंट एज लर्निंग के द्वारा, छात्रों में स्व आकलन एवं आत्मलोचन को प्रोत्साहित करता है और इस प्रकार की क्षमता विकसित करता है। सेल्फ असेसमेंट तथा सेल्फ रिफ्लेक्शन को प्रोत्साहित करता है और ऐसी क्षमता विकसित करता है धीरे धीरे, जिससे वे अपना असेसमेंट खुद कर सकें और रिफ्लेक्ट कर सकें अपने गतिविधियों पर, अपने सीखने पर। अध्यापक आवश्यकता अनुसार विचार एवं पृष्ठ पोषण भी दे सकता है। जो अध्यापक है वह कुछ सुझाव दे सकता है छात्रों को, ताकि वो धीरे धीरे सेल्फ असेसमेंट करना सीख जाएं और रिफ्लेक्ट करना सीख जाएं, और उनको फीडबैक, पृष्ठ पोषण भी दे सकता है, जिससे धीरे धीरे छात्र स्वयं अपना असेसमेंट और रिफ्लेक्ट करना सीखें। अध्यापक छात्रों में आत्म सजगता की प्रवृत्ति विकसित कर सकता है। सेल्फ अवेयरनेस, जो मेटाकॉग्निशन है, इसके लिए जरूरी है कि सेल्फ अवेयरनेस हो, आत्म सजगता हो, और ऐसी प्रवृत्ति अध्यापक विकसित कर सकता है जहाँ पर धीरे धीरे अध्यापक स्वयं अपने को हटा लेता है और जो छात्र हैं उनको अपने सीखने की जो लगाम है उनको सौंप देता है। अध्यापक छात्रों में आत्म नियमन एवं आत्म अभिप्रेरणा की प्रवृत्ति विकसित कर सकता है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मोटिवेशन की प्रवृत्ति विकसित कर सकता है। तो धीरे धीरे अध्यापक को चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करे छात्र में, सेल्फ असेसमेंट की क्षमता विकसित करे, रिफ्लेक्ट करने की क्षमता विकसित करे, और अपना रेगुलेट कर सके अपने अध्ययन को, अपने अध्ययन को मॉनिटर कर सके और अपने को अभिप्रेरित कर सके, मोटिवेट कर सके, जिससे कि वह लाइफ लॉन्ग लर्नर और ऑटोनोमस लर्नर बन सकता है, और वह छात्रों में अपने अध्ययन की जिम्मेवारी स्वयं पर लेने की प्रवृत्ति विकसित कर सकता है। धीरे धीरे वह स्वयं सीखने के लिए प्रवृत्त हो जाए, अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले ले, यह क्षमता विकसित कर सकता है। तो अध्यापक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ पर पहले अध्यापक ज्ञानदाता के रूप में था, सूचना प्रदाता के रूप में था, जहाँ पर वह स्रोत था सूचना का और छात्र उनके ऊपर निर्भर रहते थे सीखने के लिए, वहीं पर असेसमेंट एज लर्निंग का कंसेप्ट कहता है कि छात्रों को धीरे धीरे मुक्त कर देना है, अध्यापक धीरे धीरे सीन से हटा ले। ऐसा अगर अध्यापक कर लेता है और छात्रों को सीखने की बागडोर स्वयं पर लेना सिखा दे, तो यह असेसमेंट एज लर्निंग है। तो इसलिए असेसमेंट एज लर्निंग बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है, बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा है, और जो छात्र असेसमेंट एज लर्निंग सीख लेते हैं, मेटा कॉग्निटिव स्किल्स सीख लेते हैं,
अपने को निरीक्षण करना सीख लेते हैं, अपने को बदलना सीख लेते हैं, अपने निरीक्षण, अपने ऑब्जर्वेशन, अपने रेगुलेशन के द्वारा जो कमियां मिलती हैं उसमें सुधारना सीख लेते हैं और नए रास्ते ढूंढ लेते हैं सीखने के लिए, नए रास्ते ढूंढ लेते हैं चिंतन करने के लिए, नए रास्ते ढूंढ लेते हैं समस्याओं के समाधान करने के लिए। तो ऐसे छात्र अपने अधिगम में बहुत आगे बढ़ते हैं, अपने सीखने में बहुत आगे बढ़ते हैं। लेकिन वैसे छात्र जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं या ऐसे टीचर जो छात्रों को अपने पर ही निर्भर रखते हैं कि हम सिखाएंगे तुम सीखोगे और हम बताएंगे तुमने कितना सीखा, वे शिक्षक खतरनाक हो जाते हैं इस कंसेप्ट में। और वे शिक्षक बहुत सहायक होते हैं जो धीरे धीरे कहते हैं कि आप अपना खुद सीखना प्रारंभ करो, खुद एसेस करना शुरू करो, अपनी कमजोरियों को पहचानना सीखो, अपने स्ट्रेंथ्स को समझना शुरू करो, उसका प्रयोग करना सीखो और अपने असेसमेंट खुद करो और अपने मेटाकॉग्निटिव स्किल का प्रयोग करके एक बेहतर अधिगमकर्ता, एक बेहतर लर्नर बनो, ताकि इफेक्टिवली लाइफ लॉन्ग ऑटोनॉमी के साथ, लाइफ लॉन्ग आत्मनिर्भरता के साथ अपना विकास कर सको, सीखने की गति दे सको। और यही आज के नॉलेज इकोनॉमी में ज़रूरत है कि जहाँ पर छात्र हैं वह स्वतंत्र हो सकें सीखने के लिए और सूचनाएँ, तमाम प्रकार की सूचनाएँ चारों तरफ उपलब्ध हैं, उन सूचनाओं को प्राप्त करके, अपना अवलोकन करके, अपना आत्मनिरीक्षण करके, अपना आत्म आकलन करके अपना विकास कर सकते हैं। तो यह बहुत पावरफुल कंसेप्ट है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग से बहुत आगे निकल जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में टीचर सेंटर में है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर स्टूडेंट दोनों सेंटर में है, लेकिन असेसमेंट एज लर्निंग में स्टूडेंट ही सेंटर में है, टीचर केवल ये स्किल्स उनको सिखा देना है, बाकी स्टूडेंट्स खुद कर लेंगे। और ये जो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स हैं, ऐसा नहीं कि बड़े होने पर सीखते हैं, छोटे बच्चे भी स्वतः इसका प्रयोग करते हैं, इवन 2-3 साल के बच्चे भी रिसर्चेज में मिले हैं कि वो मेटाकॉग्निटिव स्किल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ये मेटाकॉग्निटिव स्किल्स का यूज़ करना हमें सिखाना चाहिए ताकि वो ऑटोनॉमस लर्नर बन सकें। यहाँ तक आपने देखा, सुना, समझा, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।